ट्रैवल मतलब सबसे पहले तो आपके गेटअप से ही शुरू करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे पगड़ी दुल्हन का दूल्हे का पूरा जो गेटअप है एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्या, थोड़ा अपने गेटअप के बारे में बताना चाहिए। आपने बोला तो मैं मान लेता हूं। इट्स अ नाइस शेरवानी व्हिच दे हैव गिवन मी, थोड़ी सी हैवी भी है एंड यू नो कि मुझे काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करनी है, नॉट दैट हैवी आल्सो बट काफ़ी कुछ है तो इसमें अच्छा लग रहा है। दिस आई थिंक पगड़ी आल्सो एंड वॉच आल्सो आई एम फीलिंग लाइक एन एम्परर राइट नाउ, इट्स नाइस एट लीस्ट यू नो वन डे आई एम वेयरिंग समथिंग गुड। और शादी सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, आई थिंक आई एम लुकिंग ओके। वैसे हम बात करें शादी की तो मतलब फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था आपको वो घड़ी आ गई है। देखो कितना खुश हूँ, मेरी आंखें लाल बहुत खुश हूँ। नॉर्मली ये शादी के बाद आदमी का हाल होता है, मेरा तो अभी हो गया, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी बट हाँ ऐसा हुआ कि शादी में जो रोशनी चाहती थी वो हो गया, रोशनी चाहती थी कि शादी ना हो और उसे अपने दिल की जो ख्वाहिश थी उसकी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। मैंने भी कर लिया और गुस्से में आके खुद मेरे हाथों से ही हुआ है जो भी हुआ है, बट आई नो कि मैंने वैदी के साथ गलत किया है और तो बंधुओं ने भी देखी गई है मुझे कि अब मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, पर इट्स ओके बिकॉज मुझे आदत है। मैं भी छोटा था तो पापा के लिए रोता था पीयूष, जब बड़ा हुआ तो माँ के लिए रोता था, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो अभी वैदी के लिए रो रहा हूँ। अब आगे रोशनी रुलाएगी शादी के बाद, बट दैट हैपेंस ऑल द टाइम विद द पीयूष, सो अब आदत सी हो गई है। मतलब काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में शादी, लेकिन आपकी फाइनली आज रोशनी के साथ हो रही है। हाँ एक अलग ही ड्रामेटिकल एंट्री हुई है रोशनी की आज शादी में। हाँ बहुत, और अच्छे से ड्रेस्ड भी है वो शादी के लिए, ब्लू एप्रन में दैट हॉस्पिटल वाले चीज रेडी एंड चीज कम फॉर दिस, बट उसको तो पता भी नहीं है कि क्या हो गया है, वो इस स्टेट में नहीं है कि उससे पता हो क्या होगा, अगले दिन जब उठेगी तब उसे रिलाइज होगा कि क्या हो गया इसके साथ।